आप सबको तो पता ही होगा, ये हम बचपन में बहुत खाते थे, है ना। कितना मजा आता था चुस्के ले। मिंटू ने बनाया मेरे लिए सैंडविच, जो बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं। तो गाइस, मैं हो रही थी घर पे बोर, फिर सोचे क्यों ना मौसम है अच्छा, थोड़ी देर घूम के आए बाहर। तो फिर क्या, थोड़ी देर बाहर के लिए हम निकले और बहुत ही रोमांटिक मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो कॉफ़ी ऑर्डर की, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना भी खाया जो बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग भी अपने इंजॉय करो, घूम के आओ यार, बार मौसम बड़ा अच्छा है, इंजॉय करो, घूम करके आओ यार। ये ना मुँह छुपा रही है, ये चाय वाय पी गई, ऑमलेट भी खा गई, समोसा भी खा गया, अब मुँह छुपा रही। ये है ऋषभ। गाइज, ऋषभ ने ना एक काम खोला है ज्वेलरी का, मैं आपको ना पेज बता दूंगी। और इतनी यूनिक ज्वेलरी है, इतनी अच्छी है, मैंने खुद 5-6 ऑर्डर किए हैं। अब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, जो मैंने सामान लिया ना वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा सामान है, बहुत देखते ना लालच आ रहा है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। मैंने क्या ऑर्डर किया? मैंने एक पेंडेंट सेट लिया है, ओवल सेट, और इयररिंग्स लिए हैं जो मैं डेज के हिसाब से पहन सकती हूँ। वो बहुत ही अच्छे है, यूनिक है, स्मॉल है, बहुत ही फैशन में है। तो हमें तो काफी अच्छा लगा ऋषभ का कलेक्शन, और बहुत ही यूनिक है। मैंने ना अब तक मार्केट में वो चीज़ देखी नहीं थी, मैं अभी आई हूँ, जस्ट अभी देखा, और मैंने 5-6 ऑर्डर भी कर दिया सामान अपने लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या क्या सामान है। हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पनीर। तो वो मैं मुझे बोल के गए थे, मन करे तो बनाना सब्जी कोई, वरना मत बनाना, क्योंकि हम बाहर से लेके आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पनीर बना लिया जाए, है ना। तो पनीर बनाती हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना। ये बन गया है, मुझे लग रहा है लाल मिर्च ना बहुत ज़्यादा हुई है, पता नहीं कैसा ही बना ये। मेरा खाना तो हो गया तैयार, अब मैं अपना खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर डुग्गू का बनाऊंगी। पहले अपना खा लूँ यार, पेट पूजा अपनी ज़रूरी है, फिर डुग्गू का।